बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं लेकिन फजल करम से आप लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खैर वफियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रेसिपी, इसलिए आज जाओ मुझे हेल्प आउट लेने पड़ी मेरे हब्बी से। शायद आप इनको पहले जानते हो, अगर नहीं जानते तो गाने आज आप मुझे काफ़ी लोग जानते हैं। यू आर राइट, बिल्कुल। तो अभी बस हमें करनी है रेसिपी स्टार्ट। आज की रेसिपी में क्या क्या बनने वाला है, क्या आप बताएंगे? मटन कड़ी बनने वाली है, और अंडे की कड़ी बनने वाली है, और साथ में बनने वाला है चिकन कड़ी जी, और द लास्ट वन राइस। यही चार रेसिपीज आज बनने वाली है। बिल्कुल, इनकी मेमोरी जो है वो काफी ज्यादा मुझे शॉर्प लग रही है। बिल्कुल। तो अभी जो है वो हम लोग एक साथ कुकिंग करेंगे। ज्यादा चीजें बननी थी और सितार साहब चाह रहे थे कि मैं जो है वो आपकी हेल्प करूँ, तो इसलिए मुझे इनकी हेल्प की जरूरत पड़ी और मैं मान गई। हाँ, मैं तो अपनी कुकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। देखते हैं जी, आप जो है वो अपनी मर्जी से कुकिंग करेंगे या मेरी हेल्प चाहिए आपको? नहीं, मैं खुद भी कर सकता हूँ। मैं तो देखते हैं आज सितार साहब कितने अच्छे शेफ हैं। तो अभी तो नए लोग, नया पंखा, नया चूल्हा और सारा कुछ नया, और देखते हैं सारा। लेकिन शेफ मैं पुराना हूँ, मतलब के ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग करते हैं, तो कुकिंग जो होती है ना तमाम दोस्तों में मैं ही करता हूँ। कुछ दोस्त देख के होंगे, उनको पता भी चल जाएगा कि आज, और ये पंखा जो पकड़ा हुआ है इसका मतलब ये है कि आजकल बरसात है और मक्खियाँ वगैरह कुछ आ जाती हैं, कुछ साथ साथ थोड़ी थोड़ी हवा मिलती रहती है। लेकिन ये देखें कि चूल्हा इन्होंने अपना जला लिया और मेरे वाला जो है ना अच्छे पड़ा हुआ। अभी आपका चूल्हा भी ऑन कर देते हैं हम लोग। ना बिल्कुल ना चलाइएगा आप, मुझे जो है वो थोड़े पक्के वाले शेफ नहीं लग रहे। हम लोग जरा और तरह से करते हैं, हम लोग वाइल्ड कुकिंग जो है ना वो करते हैं। आप लोग जो है ना जो कुकिंग करते हैं वो बहुत आसान है, इसलिए क्या आप नहीं, हम लोग ये होता है कि ये जिस तरह मतलब कि सारी चीजें मतलब कि ऑन एयर की होती हैं, ये नहीं होती हमारी पैक्ड होती हैं फौरी तौर पे उसको इन किया बनाया, और अक्सर तो हम लोग रेडी टू यूज भी, यानी कि रेडी टू ईट जो फूड होता है वो भी ले जाते हैं। तो चले आज फर्स्ट टाइम घर में कुकिंग। आप पंखा थोड़ा कम चलाएं, अदरवाइज हमारी आग जो है वो बुझ जाएगी। क्या हो गया आपको? पंखा ही चलाते जा रहे हैं तो आपकी आग के चक्कर में मैं अपनी आग भी ना बुझा दूं, इसलिए मुझे कुछ तो होगा ना आज फिर। नहीं बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, कुकिंग जल्दी से होनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं कि आज कौन सी रेसिपी आने वाली है, और नई नई रेसिपी का इंतजार कर रहे होते हैं। मैं कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप भी जो है वो स्टार्ट कर लीजिएगा, फिर ना कहिएगा कि आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं पहले आग जला लूँ और फिर उसके बाद इस तरह से आग कभी भी नहीं जलेगी जिस तरह से आप जलाना चाहते हैं। और मैं यहाँ प्याज जो है वो काटना स्टार्ट कर दिया मैंने। कटिंग आप जो कटिंग करेंगे ना उसमें से मैं भी कुछ ठीक है, मतलब कि आपको मेरी हेल्प की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो फिर आपको भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं सपोर्ट करना छोड़ूँगी इंशाल्लाह। तो आप ऐसा करें कि कढ़ाई पकड़े उसको चूल्हे पे रखें। आग जलेगी तो मैं रखूंगा। आपको मैं सेट कर देती हूँ, आपके पास यहाँ अच्छे से जल चुकी है आग, और ये जलती हुई आग हम इनको लगा देंगे ठीक है, हमने जलती हुई आग आपको लगा दी है, ये रही ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक। अभी ढक्कन आप हटा दें, और आप क्या बनाना पसंद करेंगे? मैं मटन बना लेता हूँ ठीक है, क्योंकि मटर जो है ऑलरेडी बॉइल कर चुके हैं, और यहाँ आप एक काम करें लहसुन को जल्दी से जो है आप ग्राइंड कर लें। अच्छा, मेहनत वाले काम जो होते हैं ना वो मेरे जी में हुआ जी। बिल्कुल। तो ये रहा जी लहसुन, अब इसको कर लेते हैं जी ग्राइंड। और अदरक भी साथ ही डाल दूं? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, अदरक नहीं डाल। पता नहीं पूरा होता है कि उतर जाता है आपने बता नहीं है मुझे उतरने वाला है कि पूरा होने वाला है। तो यहाँ मैं दोनों हड्डियों में जो ऑयल शामिल कर लेती हूँ। इसमें कितना आपने ऑयल शामिल किया? इसमें चाहे तो आप बहुत ज़्यादा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो जो भी हंडिया बनाती हूँ उसमें कम से कम ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं
छः काली के चम्मच हो और इस्तेमाल कर, इससे ज़्यादा मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया और ना ही मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ हो तो भी आपको लिमिटेड ही यूज़ करनी चाहिए, तो इसलिए एक्सेसिव एवरीथिंग इज़ अ बैड, तो इसलिए कभी भी आप ऐसा ना करें। तो हम लोग यहाँ कर चुके हैं लहसुन को ग्रेंड, ठीक है, असल ग्राइंड नहीं हुआ अभी, ये काफ़ी प्याज को चॉप कर चुकी हूँ और यहाँ हंडिया में जो है वो गर्म हो चुकी है, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, तकरीबन आपने आधा छोटा चम्मच जो है वो शामिल कर देना है ज़ीरे का, और ज़ीरे को आपने लाइट फ्राई करना है, और इसके साथ जो है वो मैं थोड़ा सा टमाटर भी काट लेती हूँ। गर्मी की शिद्दत जो है वो मुझे तो, मैं तो यूज़ टू हो चुकी हूँ गर्मी को बर्दाश्त करने की, क्योंकि रोज़ जो है वो इसी स्टोव पे चलता है हमारा कुकिंग सेशन, लेकिन जनाब का आज फर्स्ट डे है, हम बेसिकली तो, जो शेफ है ना वो है ठंडे इलाके जी, बिल्कुल, तो जब नॉर्थ में जाते हैं ना तो फिर वहाँ पे जाके करते हैं, तो मुझे रहम आ रहा है इनके, क्योंकि ये सारे जो इनकी शर्ट है वो गीली हो चुकी है, तो अभी हम भी, लेकिन मैं मेरा हिम्मत जो है ना वो जवाब दे, ये जो स्वेटिंग वगैरह है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब कि आप हिम्मत से काम लेंगे, और यहाँ पंखा इस तरह थोड़ा थोड़ा सा आपको चलाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो मक्खी आ जाएंगी और काम खराब करती चलेंगी, तो चले देखते हैं जी कितनी हिम्मत वाले हैं भाई, मर्द हिम्मत वाला ही होना चाहिए, हिम्मत वाला होगा तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको उठाना पड़ता है, नभाना पड़ता है, हिम्मत वाला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी में है तो इसलिए मैं भूल गई यहाँ, और अभी दो अदद स्मॉल साइज के भी प्याज ले रही हूँ और इसको जो है वो काट लेती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे तड़के की बारी भी हो चुकी है प्यार, और मैंने करना कुछ हुआ है कि इसको भी काटना है इस तरह से, आज मुहतरमा का स्पीड में जाना वो स्पीड कहाँ किधर है, ये स्पीड किधर है, अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कैसे मैनेज करूँ, मुझे आपसे बहुत शर्म आ रही, क्यों पता नहीं कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि मेरे से एक्स्ट्रा वर्क ले रहे हैं और मैं मैनेज कर पाऊँगी, नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ साथ ना ये, लेकिन ये अभी आपने मुझे काम ही ऐसा दे दिया कि ये अगर मैं जोर से चोट लगाऊंगा तो ये खराब हो जाएगा, तो और पंखा अगर थोड़ा जी पंखा चलाएं इस तरह, क्योंकि अगर मैं जोर से चोट लगाऊंगा तो ये लहसुन सारा जो है ये बाहर गिर जाएगा, और रेसिपी भी काफी ज्यादा हो गई है, मतलब कि चार रेसिपी हैं यहाँ, और अभी हमें यहाँ ऑयल अच्छे से हो चुका है गर्म, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज, तो हम भी साथ साथ में जितनी हंडिया हिलाते जाते हैं ताकि वो ना काम हो जाए खराब, अगर काम खराब हो गया तो फिर मोटर में जीतेंगे, फिर आप फिर शेफ हो जाएंगे, तो मैं फर्स्ट टाइम इनके हाथ का बना हुआ खाना खाने लगी, खाऊंगी पता नहीं खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, अरे नहीं खाया हुआ कभी, बना के खिलाया हमेशा, जब भी इनके साथ हमने टूर पे गए ना दोस्तों को खाना बना के देते, और जब हमारी बारी आती है तो क्या होता है, इसके मुताबिक जो है आपने यहाँ नमक शामिल करना है, या प्याज के मुताबिक हल्का सा जो है आप नमक शामिल कर लीजिएगा, मैं भी नमक शामिल कर दूं, नहीं आप अभी नहीं शामिल करने वाले हैं, आप ऐसा करें कि चम्मच है आपके पास, चम्मच बिल्कुल है, ये देखिए ये तो बहुत बड़ा चम्मच है ना आपके पास, आप ऐसा करें कि ये कुकिंग वाला चम्मच लें और इसके साथ थोड़ा सा यहाँ लहसुन जो वो शामिल कर दें,
काफी होगा जी तो और इतना सा लहसुन इसके अंदर शामिल कर दिया जो हम लोग बना रहे हैं। वो प्लेट में निकाल रहे हैं मटन के पास खड़ी जी प्लेट है प्लेट में निकालें बाकी लहसुन दोबारा से पूछना जाए भाई मुश्किल हो जाएगा यहाँ आपको जलाना तो ये रहा कि लहसुन तो ये मैंने आपको ठीक है आपने शामिल कर लिया ना जी जी अभी आप अदरक को भी ले ओहो तो एक्चुअल में मैं चावल लेने गया था कि ताकि फेस पे मतलब हीट की वजह से जो स्वेटिंग आ रही हो रही है ना उसको साथ साथ साफ कर लिया जाए जी शुक्रिया जी शुक्रिया अपना ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभी देखें लहसुन और प्याज को मतलब पहुँचा अभी काफ़ी इसमें अच्छा आपके लिए मुझे लग रहा है अभी भी आग सा स्लो है और यहाँ हम जो है प्याज को लाइट फ्राई कर चुके हैं अभी हम यहाँ शामिल कर रहे हैं टमाटर कुकिंग कर रही है और यहाँ पे मैं जो ग्राइंडिंग करूँगा जी अदरक की तो इसको जरा ग्राइंड कर लेते हैं मुश्किल काम नहीं है क्या कह रहा दोबारा से बताइए कुछ नहीं मैं कह रहा मैं ग्राइंडिंग कर रहा हूँ मुश्किल काम मेरे ऐसे कुछ भी कोई भी बात नहीं है मैं साथ साथ जो है वो आपको जहाँ भी हेल्प चाहिए आप मुझे बता सकते हैं और आपकी हड्डियाँ जल ना जाए थोड़ा सा एहतियात मैं देख रहा हूँ अभी अभी मैं मिर्ची भी थोड़ी कटिंग कर लेती हूँ तो यहाँ पे जी ग्राइंडिंग हो चुकी है इसकी भी और प्याज जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है जी तो कोई और काम अगर है तो आप बता सकते हैं आप अपन इंडिया को देखिए कितना मतलब पहुँचे और अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है और बताएं क्योंकि मैं आपके आपकी मनपसंद का खाना देखना चाहती हूँ खाना चाहती हूँ अभी तो फिर मुझे ज़रा प्याज को ज़रा टाइम भी फ्राई करने दें ओके आप करें और यहाँ हमने टमाटर को साफ तकरीबन पका लिया है 40-50 सेकेंड जिसमें जो टमाटर साफ पड़ गया और अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं मिर्ची तो ये चली सब्ज मिर्च अगर सब्ज मिर्च कड़वी हो ना तो और कच्ची हो तो उसका टेस्ट ही लाभ होता है मतलब कि आपकी वो फेवरेट होती है जी बिल्कुल कुछ यूँ ही कहना चाह रहे हैं ऐसे ही और अभी हमें चाहिए यहाँ धनिया और धनिया की हमें चाहिए 2-3 चाहिए जस्ट इससे ज़्यादा धनिया जो जो चीज़ आप डाल रहे हैं मेरे लिए बचा दीजिए मतलब आप सेम मेथड से जो वो मटन बनाना चाहते हैं मटन तो वैसे ही बनेगा ना हंडिया तो वैसे ही बनती है ना नहीं ऐसा तो नहीं होता ना अगर आप एक ही मेथड से रोज खाना बनाएंगे तो कौन खाएगा अभी मैं ये भी चिकन कड़ी बना रहे हैं और मैं मटन कड़ी बना रहा हूँ तो रेसिपी तो तकरीबन सिमिलैरिटी में होगी ना हर दफ़ा एक अलग चीज होना चाहिए फिर तो खाएंगे क्या मैं रोज एक तरीके से खाना बनाऊंगी तो आप खाना पसंद करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए टेस्ट थोड़ा अलग होना चाहिए हर तक फिर ही खाने का मजा आएगा और साथ ही साथ हम ये शामिल कर रहे हैं धनिया की चाय फलते जो दो टहनी मैंने ली थी वो मैंने क्रश करके इसमें शामिल की तो जी कहाँ तक पहुँच जाती आपका अभी प्याज फ्राई होना स्टार्ट हुआ है और यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो गया चूल्हा जो वो एकदम बैलेंस नहीं था चूल्हा से जो वो चले अभी रख दें ताकि पौ मेरा रख दें अभी हमें क्या करना है जी बताएं कि बताएं कहाँ तक पहुँची आप अभी ये देखें ये कंडीशन अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा आप क्या इतनी हीटिंग है यहाँ क्या मसला है नहीं अभी आग प्रॉपर जलना ही अभी स्टार्ट हुई है चले मैं आपके लिए टमाटर तोड़ दूँ जी बिल्कुल शामिल कर रहे हैं आप इंडिया में कि हाँ जी बिल्कुल ग्रेवी तो टमाटर से ही बनेगी मेरे ख्याल से प्याज जो लाइट फ्राई हो चुका है अभी आपको ये मत मिर्ची तो ये रही जी मटन कढ़ाई जो मटन कढ़ी हम लोग बना रहे हैं उसमें मिर्ची
समझ में हम लोग शामिल कर चुके हैं और इसको भी अभी गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और आपने ज़रूर बताना कि हम लोग अगर इकट्ठे कुकिंग कर रहे हैं तो आपको ये सारा कैसा लगा, कैसा लगा। और अगर आप जो वो हमें एक साथ देखना चाहते हैं, फैमिली व्लॉग देखना चाहते हैं तो फिर, और अगर कुकिंग भी मतलब कंबाइन देखना चाहते हैं तो फिर आपने जरूर बताना ताकि फिर मैं कुछ टाइम निकालूं आप लोगों के लिए। और व्लॉग देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी फीडबैक बताते हैं। आप बताइएगा कौन है जी? मैं क्या बताऊँ, व्लॉग हम लोग कहाँ शेयर कर रहे हैं अभी बैलेंस हो गया। तो अगर आप लोग फैमिली ब्लॉग देखना चाहते हैं तो फैमिली ब्लॉग हमारे जो है मोहम्मद साहब फातिमा के साथ, अनी जी के साथ और सात घर वालों के साथ आ रहे होते हैं लाइव विद देसी खाना पे, तो वहाँ पे जाएं, जाके देखें और कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कि उसमें क्या किस तरह का मतलब कॉन्टेंट होना चाहिए। और अभी मैं एज यूजल ज़रा अपनी हंडिया देख लूँ ताकि वो ना हो कि काम खराब हो जाए। जी हाँ, जी तो ये कुछ सीन है जी इनकी हंडिया का और ये सीन है जी मेरी हंडिया का। तो वंस अगेन ऑन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो अब आप देख सकते हैं जी हम लोग क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो प्याज अभी जो आप इसमें मिर्ची वगैरह जो भी शामिल करना है कर सकते हैं। मैं फिलहाल तो आप देखिए मैंने खुद कर लिया जी, बिल्कुल आपने कर लिया और आपने हाथ भी शायद गंदा कर लिया होगा। नहीं नहीं ये देखिए बिल्कुल साफ ठीक हो गया। आप यहाँ जो वो शामिल करें मसाला जार, अगर आप शामिल करना चाह रहे हैं पहले थोड़ा सा अदरक शामिल कर दीजिए। अदरक बिल्कुल तो मैं ज़रा देसी तरीके से शामिल कर देता हूँ। नहीं कुछ नहीं होता ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग अदरक शामिल कर देंगे और साथ में क्या करने लगे हैं, साथ में हम लोग शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक ठीक हो गया। और मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ लहसुन और साथ में अदरक, ये खाइए का ज़रा जी बिल्कुल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और अभी हम जो लहसुन अदरक यहाँ शामिल कर चुके हैं और जनाब ने और यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया एक तो अदरक और दूसरे नंबर पे नमक और इनको ज़रा थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको चूल्हे के पास बैठना? अभी तकरीबन यूज़ हो गया हूँ, अब थोड़ा रिलैक्स। अच्छा आपको हवा दे दूँ थोड़ी? बिल्कुल ये नेकी और पूछ पूछ तो नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जो आप वो इसमें थोड़े से मसाला जाता आप शामिल करें। अच्छा जी इसमें सबसे पहले क्या शामिल करेंगे, थोड़ी सी सुरख मिर्च कर दूँ जी? बिल्कुल कर दें अपने इसके मुताबिक कर लेना। मैं आपको चेक करना चाहती हूँ मैं कि क्या आप एक अच्छे हस्बैंड होने के साथ साथ एक अच्छे शेफ भी बन सकते हैं कि नहीं। आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है? नहीं आप काफ़ी तेज़ हो गई स्लो कर दो कर दे कर आप जरा तेज से चम्मच चलाएं और यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला भी शामिल कर लें जी बिल्कुल कर देगा। तो हम यहाँ अभी शामिल करने वाले हैं मसाला जार बिस्मिल्लाहिर्रहमान इस पर पेश नज़र है सुरख मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तकरीबन आधा खाने का चम्मच जो सुरख मिर्च मैंने शामिल कर दी है, अभी आपने शामिल कर दी है जनाब कम? नहीं मुझे कम लगा। और साथ ही साथ गरम मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मैंने हल्दी और मिर्च शामिल की थी लेकिन हीट काफ़ी ज़्यादा थी तो मैं उस तरह से इतनी शामिल ना कर सका जितनी मुझे करनी चाहिए। जनाब ज़्यादा स्पाइसी ना कर दीजिएगा। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, और हल्दी और सुरख मिर्च के बाद अभी इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ और थोड़ी सी यहाँ पे कसूरी मेथी। अभी सबको शामिल करने के बाद हम लोग इसको कर लेंगे अच्छे से भून लेंगे 30 सेकंड तक। जब भी आप ये मसाला जो शामिल करें तो जस्ट 30 सेकंड तक आपने इसको भूना, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं भूना अदरवाइज जल जाएगा। और फिर क्या होगा जनाब? बिल्कुल और यहाँ पे दही शामिल करना पड़ेगा। और नहीं जल जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर बंदा कंपटीशन हार जाएगा। कंपटीशन के साथ साथ आपका हो जाएगा डायलॉग हो जाएगी भाई। सारे जब खाना खाने बैठेंगे ना तो बस आपको याद करेंगे किसने बनाया क्या किया। आप लोगों को पता है कि हालांकि खाने में अगर थोड़ा बहुत कमी पेशी हो भी जाए तो आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए, खामोशी से खा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई ना कोई नुक्ता निकल आता। तो यहाँ तो लोग ऐसे होते हैं कुछ के नुक्ता ढूंढने का जो वो मूड बना के बैठे होते हैं, यहाँ कोई नुक्ता मिल जाए आज कुछ। बिल्कुल मैंने आपको नहीं कहा
अच्छा आप ऐसा करते हैं क्या? ये नुक्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं? कोशिश नहीं, बात का वैसे पकड़ा जाता है। सुन ले भाई जनाब, क्या क्या पल्स अब आपको दे रही हैं और यहाँ लास्ट थिंग जो है वो टमाटर शामिल होने वाला है। और ये क्या टमाटर जिसको हमने जो है वो स्लाइसिस में काटा है, बहुत ज्यादा चॉप नहीं किया, बारीक नहीं किया। और अभी हमने यहाँ मसाला जो है अच्छे से पका लिया है। जनाब का मसाला अभी तक तैयार नहीं हुआ क्योंकि इनकी आग जो बहुत स्लो थी, इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा था। काफी है, वो काफी ज्यादा हीट अभी ठीक है, अभी तो ठीक से मैनेज हो गई है। और अभी हम लोग जो यहाँ लेंगे चिकन, और चिकन शामिल करने वाले हाफ के जी हमने यहाँ चिकन लिया है लेग साइड। और अभी हम यहाँ बिस्मिल्लाह बना रहे चिकन को शामिल। चिकन को क्या करना है, अभी हमने भूना है अच्छे से, जब तक और जो है वो अलहदा ना हो जाए तब तक आपने मसाले के साथ चिकन को पका लें। तो जनाब इसके बाद जो कुकिंग होने वाली है वो है अंडा कड़ी और चावल। आप दोनों में से क्या पकाना पसंद करेंगे? मैं चावल बना लूँ। आप चावल बना लेंगे? सही बना लेंगे कि फिर मुझसे पूछ पूछ के बनाएंगे? देखें एक जब बंदा किसी एक्सपर्ट के पास बैठा होता है तो उससे राय ले लेता है, अकेला हो तो वो खुद साख्ता कुछ भी वो कर लेता है। कुछ भी चलेगा भाई, ठीक है आंखें बंद करके कुकिंग करते हैं, जो भी बनेगा खा लेंगे। क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में कुकिंग करते हैं जहां आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन भी नहीं होता, दूसरे नंबर पर ही होता है। हाँ ये हुआ कभी कुछ, कभी ख़राब नहीं बना कुछ भी। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ टूर्स हुए हैं तो हम लोग ना मतलब कहना फूड वो ले जाते हैं, रेडी टू ईट होता है, सिर्फ गरम किया उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड किया और रेडी हो गया, बस तैयार हो गया। यानी कि बाज़ार हाई एल्टीट्यूड पे जाके तो कुकिंग करना ज़रा इशू हो जाता है, यानी कि वहाँ पे चीज़ गल नहीं रही होती है, इसलिए फिर हम लोग आजकल नया तरीके पे आ गए हैं। तो लेकिन कभी मतलब होता भी है दोस्तों की गेट टुगेदर हो तो फिर बना लेते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं, हम लोगों ने बनाना होता है को चार माह बाद, पाँच माह बाद, छः माह बाद, साल बाद, तो ये जो रूटीन से बना रहे होते हैं उनका फिर टेस्ट और उनका जो हाथ का कमाल है वो अलग होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप 6 माह बाद, 4 माह बाद, साल बाद टूर पे जाते हैं, कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं टूर पे नहीं, खाना तो हम लोग यहाँ पे कभी मतलब इकट्ठे होते फिर बनाते हैं ना। टूर पे तो आजकल हमने रूटीन किया नहीं जाती ना, अब तो वो लेके जाते हैं पैक फूड, लेके जाते हैं बस उसको गर्म किया, ऑयल ऐड किया और ओके। मुझे लगा शायद 6 माह बाद, 7 माह बाद जो आप टूर पे जा रहे हैं, हालांकि हर माह में एक दो टूर इनका जरूर होता है। ऐसी कोई बात नहीं, एक दो टूर सिर्फ एक रात का होता है, बाकी लंबा टूर हो तो वो साल में एक या दो ही। एक्चुअली ये टूर उसको समझते हैं जो आप जो है वो 10 से 15 दिन जो है वो लगातार बाहर गुजार रहे हो, वो टूर होगा। जो 2-4 दिन की बात है वो तो इनके लिए टूर अज्यूम ही नहीं होता ना, ऐसा ही है। और जो ये कह रहे हैं वो भी बाज का साथ ही होते हैं, साथ होते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ। ये तो मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जब साथ होते हैं तो वो भी हमारे साथ ही होते हैं। अच्छा इसको टमाटर को अभी साथ साथ मैश करना शुरू कर दो। आप ऐसा करें इसके ना मटन शामिल कर सर, तुमने मैं कह रहा हूँ अभी टमाटर ज़रा थोड़ा सा ना हो जाए सर तो वो ठीक है, मतलब कि जब मटन को आप भूनेंगे ना तो टमाटर भी साथ ही भुना जाएगा और भी सब हो जाएगा। तो फिर ठीक हो गया जी, मटन जो है हम लोग यहाँ पे इस साइड पे करते हैं और ये उबाल कर चुके हैं, इसको खोलते हैं और साथ में यहाँ पे। लेकिन आपने क्या किया, आपने खड़े मसाले एक साइड पे छोड़ दिए, मुझे थोड़े दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये रहे शुक्रिया, मुझे नजर ही नहीं। अच्छा ये सूप भी साथ ही शामिल करना है सिर्फ? नहीं जस्ट आप मटन शामिल करेंगे, सूप अभी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। और यहाँ एक बड़ी इलायची और एक तेज पत्ता जो है मैं चिकन में शामिल, और मैं भी शामिल कर रहा हूँ मटन। अभी इसका जो सूप है वो शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें मटन शामिल करेंगे। तो जी हाँ, अभी जो है वो मैं कढ़ी की तैयारी कर लेती हूँ जिसमें हम बना रहे हैं एग कढ़ी। उसके लिए मुझे चाहिए हरा प्याज, फिर जो है हरे प्याज को जो है वो मैं काट लेती हूँ और शामिल कर लेती हूँ। लेकिन अभी हमें सैलड भी तैयार करना है और बहुत सा काम करने वाला है और टाइम जो है वो मटन में शामिल कर चुका हूँ और साथ में टमाटर को और साथ में मटन को करते हैं फ्राई। इसको आप थोड़ी देर के लिए कवर कर दें। ओके तो ये कर दिया जी हमने एज यूजुअल हुक्म के मुताबिक कवर। थैंक यू, मेरे
कढ़ाई का ढक्कन टूट गया, इसलिए मैं तो कवर कर रही हूँ। कढ़ाई का कवर पड़ा हुआ अगर कहते हैं मैं ला देता हूँ, वो इसको फिट आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। शीशे वाला? नहीं नहीं, दिस वन ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं एक छोटा पड़ा हुआ है ना, काम चलेगा, देख लीजिएगा, वो भी ना तोड़ दीजिएगा। मजाक करते हुए काफी अच्छे लिखते हैं आप। नहीं वो असल में ऊपर फिट नहीं आया ना, तो वो स्लिप ना करते। नहीं स्लिप नहीं करता, अभी मैं प्याज अच्छा, अभी क्या करने वाले हैं आप? ऐसा करें, कुछ करना चाहते हैं आप? कुछ कटिंग करनी है तो बताए, मैं कर देता हूँ। मैं खीरा वगैरह आप कटिंग कैसे करेंगे? आप ऐसा करें, आप धनिए की कटिंग कर दीजिए। बिल्कुल। और मैं यहाँ जाऊँ जल्दी से प्याज मैं लेमन कर देता हूँ और इसको इसके ऊपर और ये दिया इसको थोड़ा सा मेरे ध्यान में करना पड़ेगा साफ। आप कहाँ पर डाल रहे हैं? इस प्लेट में रख रही हूँ। आप इधर प्लेट जरा इधर रख लें इससे ऊपर। शुक्रिया। कटिंग के साथ साथ हमें हड़िया को भी देखना होगा, आपने भी बीच बीच में जो है वो चम्मच चला देना है ताकि आपको आइडिया हो कि वहाँ तक मटन बोना कि नहीं। तो ये रही थी कटिंग के लिए सीजर। आपने देखा ना, बस आपको लगा बहुत आसान है और चूल्हे के आगे बैठना भी बहुत आसान है और जनाब जो है वो पसीने से चेक कर लीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, ये मेरा काम बहुत खत्म हो गया, बस ये थोड़ा सा रहेगा। तो यहाँ हम चिकन की तरफ पहुँच चुके हैं, चिकन जो अच्छे से हमने भून लिया है और ऑयल मालैदा होना शुरू हो चुका है। अभी हम आपको चिकन थोड़ा सा दिखा देते हैं मसाले के साथ कैसा लगता है। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। अभी आप इसको भी नज़र लगा सकते हैं, देखो कैसा जी। अभी इसको कवर कर दें, अभी इसको भून लेंगे थोड़ा। ये शुक्रिया। और हमारा यहाँ जो मटन है वो अच्छे से मटन नहीं सॉरी चिकन तैयार हो चुका है। थोड़ी सी हम दो चार यहाँ काली मिर्च साबुत शामिल कर देंगे और साथ ही साथ चावल हम यहाँ शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाह। तो पानी यहाँ आपने इतना शामिल करना है जिसमें चिकन अच्छे से पक जाए। चिकन अपना भी तो पानी छोड़ेगा। चिकन अपना भी पानी छोड़ेगा लेकिन हम यहाँ कड़ी बना रहे हैं इसलिए हमें थोड़ी सी जो है वो शामिल करने पड़े, अदरवाइज चिकन अपने पानी बहुत अच्छे से पक जाना था और इसमें जो है वो पानी शामिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़नी थी, लेकिन कड़ी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पानी शामिल कर दिया। और अभी मुझे असल में आप पीलर दें ना तो मैं आपको कुकम्बर जो है पील कर दूँ, उसको छील के दे दूँ आपको। ये थैंक यू। और यहाँ जो है वो आप सैलेड में जस्ट आज खीरा नहीं है जी, साथ प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच को अच्छे से आपने चला लेना है और उसके बाद आपने यहाँ चिकन के लिए थोड़ा सा नमक शामिल करना है। जनाब नमक पास कीजिएगा प्लीज। तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया तो मौसम को भी इंजॉय कर सकते हैं जनाब के साथ। और जनाब को मुझे नहीं पता अच्छा लग रहा है कि नहीं। नहीं बिल्कुल अच्छा लग रहा है और मैं बिल्कुल अच्छा इंजॉय कर रहा हूँ साथ में कुकिंग को और साथ में जो है ना आपके साथ हेल्प कर रहा हूँ और आपसे अपनी करवा रहा हूँ। थैंक यू। और अभी सबसे पहले मैं यहाँ काट चुकी हूँ इसको जो है वो मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। और चावल कौन से बना रहे हैं जनाब? मैं वाइट चावल बनाऊंगा, जीरे वाले जीरा चावल बना जी। तो थोड़ी सी मिर्ची मैं काट लेती हूँ यहाँ। अभी मिर्ची किसके लिए काट रहे हैं?
अभी हम बना रहे हैं ना कड़ी। अच्छा, अंडे की कड़ी बना रहे हैं। बिल्कुल, आप कड़ी बनाने वाले हैं। आपने मटन का बताया नहीं कि मटन को हमने ऑलरेडी बॉइल कर लिया था। जी बिल्कुल, मटन तो ऑलरेडी बॉइल कर चुके हैं हम लोग, और अभी बस उसको फ्राई करेंगे। चेक कर लीजिएगा इनको। बस मैं कर रहा हूँ आज। तो आज कैमरा एकदम स्टील है, तो पता नहीं आप लोगों की वीडियो कैसी लगने वाली है। बहुत अच्छी लगने वाली है इंशाल्लाह। अभी चाहो हम लोग आपके फीडबैक से आइडिया लगा सकते हैं कि कैसी चलने वाली है आज की हमारी वीडियो और आपको कैसी लगने वाली है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है मेरी और मेरे हस्बैंड की एक साथ, स्पेशली कुकिंग में, यानी कि देसी खाना। तो जय आपको आज वो काफ़ी शौक था, आज आ चुका था, कुछ ऐसे ही था। मेरा चम्मच ऊपर रख लिया था तो गर्म हो गया। गर्म, शुक्र करें आग नहीं लगी, लकड़ी का चम्मच है। आप ऐसा करिए ना, आपने जहाँ वो रखा है ना पत्थर, उसमें रख। क्या चम्मच उसमें रख? नहीं, अच्छा अभी तो नहीं ना। अभी नहीं, ठीक हो गया। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, हम चाहो मैं प्याज चाहो थोड़ा सा मजीद प्याज चाहो मुझे सब चाहिए। सुरख प्याज, कौन सा प्याज है जनाब? खुश प्याज। खुश प्याज कवर, इसकी कड़ी कर लेती हूँ। अभी इसको दोबारा कवर करो, पानी है अभी, ये ड्राई होगा। थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। है बिल्कुल थोड़ा। चलिए थोड़ा है तो अभी फिर दोबारा से कवर करती हूँ, ताकि मसाला अच्छे से मटन के साथ चिपक जाए। मेरे लायक अगर वो काम है तो आप बता सकते हैं। आप कुछ ऐसा करें कि हमें याद रह जाए दा जिंदगी के लिए। क्या करेंगे? क्या करें आपको मैं मीठा पास। फिर आप इस तरह करें ना कि आप मीठा खाएंगे? नहीं, मीठा कुछ नहीं। सेब खाएंगे? बिल्कुल करें, कटिंग खाते हैं बैठ के, क्योंकि मेरा काम तो खत्म हो चुका है। इनका काम खत्म हो चुका है, खत्म नहीं अभी स्टार्ट होने वाला जनाब, इंतजार में रहिएगा। आप पानी पिए? हम लेट हो रहे हैं, मैं पानी नहीं पी सकती, आप देख सकते हैं कि मैं पानी नहीं पी सकती। अदरवाइज जरूर पीती, मैं पानी की दुश्मन हूँ। और चेक करिए मसाला आपका तैयार हुआ कि नहीं। अभी मैंने आप दे दिया, ठीक हो गया जनाब। अभी हम लोग यहाँ थोड़े से फ्री हो चुके हैं, और अभी क्या करने वाले हैं? हवा बड़ी मजे की चलना स्टार्ट होगी और मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं। अभी मैं जो है वो अंडा छील लूंगी, और अंडा छीलने के लिए हमें यहाँ चाहिए चम्मच, और छिलके वाली टोकरी जो है वो काफ़ी दूर है मेरे से, और अपने पीलर्स वहाँ से उठा लें आप। अभी हम सैलड भी तैयार करने वाले हैं। ये जी हाँ, तो यहाँ मैं जो है वो अंडे को अभी साफ कर ऑलमोस्ट जो है ना वो पानी इसका ड्राई हो। अभी आप बस चम्मच चलाएं तकरीबन 2-4 मिनट तक, ताकि प्याज जो है वो अच्छे से, टमाटर जो है ना वो मसल तो चुका है लेकिन मसाला नवा हो जाएगा। तो टमाटर को थोड़ा कर लेते हैं सेट। याद बनाना चाहते हैं जी? याद बनाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल एहतियात कर रहा था कि ना हो, लेकिन बस आप आयल के पास बैठे हो और कोई ना कोई चीज डालें और फटाक से कोई ना कोई एक कतरा उठता है। और एक दिन मैं कुकिंग कर रहा था, एक दोस्त पास खड़ा था, और वो मैं आमलेट बना रहा था 4-5 आयल डाल के, तो 4-5 कट्ठे ही मैंने अंडे डाले और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाला था। तो जैसे ही मैंने नमक डाला ना,
तो वो दोस्त था, तो वो पास कहते हैं मैं इसकी ना पिक्चर लेता हूँ, यानी कि इकट्ठे अंडे, यानी कि होता है कि मतलब आप हाफ फ्राई करते हैं फुल फ्राई करते हैं तो एक एक करते हैं, तो मैंने चार अंडे इकट्ठे डाल दिए थे, चार से पांच। तो वो कहते हैं मैं इसकी फोटो लेता हूँ, उसने फोटो के लिए अभी कैमरा ऊपर किया तो मैंने नमक डाल लिया, तो फटाक से एक निकल के तो उसकी आंख में, वो पटना से पीछे दोबारा फोटो देने नहीं आया। मतलब क्या बहुत नहीं, जालम, मैंने डाला नहीं, वो आयल आयल में से निकल गया ना, बहुत जालम शेफ है, एक ड्रॉप निकला और सीधा उसकी मतलब आंख में। एहतियात बहुत जरूरी है, बिल्कुल आप कुछ ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि दोस्त पाक गया तो वापिस आ सकता है, लेकिन नहीं नहीं मैं मैंने आज डाले नहीं, अभी अच्छा लकड़ी रखी है ना इसमें भी है। अभी जो है वो आप इसमें जो जख्मी है जिस पानी में आपने गोश्त को पकाया था ना वो शामिल कर कर तुम देख ले एक दफा दोबारा, मैं भी अपने ही चम्मच से चेक कर लेती हूँ उसको। मेरे ख्याल से हो चुका है सेट अच्छे से ये, और अभी ये देखिए मसाला जो अच्छे से बन चुका है, तो शामिल कर दीजिएगा। इनका मसाला पक तो चुका है लेकिन मिक्स नहीं हुआ जैसे होना चाहिए, तो इसलिए मैं पानी अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ ना, ये हो जाए थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर लेता हूँ ना एक्स्ट्रा बाहर से। ये अच्छे से पक चुका है, इसके लिए आपको जस्ट चम्मच चलाने की जरूरत है, चम्मच आप चलाओ खतरनाक तरीके से चलाते हैं, ऐसी बात है तो फिर मैं इस तरह करता हूँ ना। जी बिल्कुल, मेरे वाला चम्मच ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन एहतियात तो आपको करनी पड़ेगी, अपना चम्मच चलाएं या हमारा ले, बात तो एक ही है। नहीं इसको हिलाना है या इसको मैश करना है? मैश खुद ही हो जाएगा, आप जिस चम्मच को इस तरह से जब मूव करेंगे तो ये मैश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये अंडा मुझे एक खराब लग रहा है, इसको मैंने छोड़ दिया, और अभी हम लोग जो वो चलने वाले हैं कहाँ कहाँ कहाँ, आपने जो वो चावल तीसरी हांडी हम जिसमें बना रहे हैं मैं तो चावल इसमें बनाने वाला हूँ। नहीं आप मुझे कुकर दे देंगे, फ्री कर देंगे, कुकर में बना लेंगे आप, मेरी चांस उसी में जो मैं एक्चुअली बना रही थी, चलिए वो देख लें, अगर नहीं तो फिर मैं आपको, अगर कोई दूसरा बर्तन पकड़ना चाहते हैं तो आप पकड़ा सकते हो। जितनी हल्की आग पे पकेगा उतना ही अच्छा पकेगा, इसलिए आपको तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जस्ट लेट होने की जरूरत। ये आप इधर क्यों रख रही हैं मेरे पास? मैंने तो कोई खतरनाक काम चाहो हम ही देखने, मैं तो बिट मटर मैश करने में लगा। तो अभी यहाँ जाओ प्याज, इसमें मैं भी एक साइड पे जाओ शामिल कर रही हूँ, और अंडे हम जो है वो कर चुके हैं, ये अंडों के लिए बन रहा है सारा, अंडों के लिए मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से मुझे करना कुछ यूँ चाहिए कि मुझे एहतियात के साथ सैनिटाइज कर देना चाहिए ताकि हम लोग लेट ना हों बिल्कुल भी, और अंडों को मैं इधर रखती हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा हम लेट कर लेंगे। अभी हम चलेंगे सैलड की तरफ, सैलड में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, यहाँ लिमिटेड सी चीज़ें हैं जो हम सैलड में इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसमें सबसे पहले हम प्याज की कटिंग ही कर लेते हैं। ये रहा जी मटन सूप, और ये हम लोग इसमें शामिल करेंगे, काफी होगा सारा सारा शामिल कर दें, और आपको थोड़ा सा तेज कर दीजिए, आप तेज कर दो जी, जो मटन ऑलरेडी पका हुआ है, तो जहां आपको जाओ अभी ये एक आधे मिनट में ना करके आज की जरूरत है, ये ग्रेवी इतनी काफी होगी है कि पानी भी शामिल करना है? नहीं बस ठीक है, इसको आप कवर कर, मेरे ख्याल में थोड़ी थोड़ा सा शामिल कर दें। नहीं नहीं आप चम्मच लाएं, ठीक है जस्ट आप इसको जो वो कवर कर दें,
मटन कड़ी का सीन आप कुछ देख सकते हैं, और उसके साथ ये रहा जी चिकन कड़ी का सीन, और ये दोनों कड़ियाँ आप कट्टी भी देख सकते हैं। और मोहतरमा तैयार कर रही है सैलड जी। हाँ, तो प्याज हम यहाँ काट चुके हैं और अभी हम काटने वाले हैं खीरा। तो खीरे हमने लिया। अच्छा, मैं इसको कवर कर दूँ जी? बिल्कुल करें। आप सैलड किस तरह का तैयार करें, बारीक कचूंबर के या? नहीं, रोटी के साथ है, बल्कि चावल के साथ है ना, तो नॉर्मल सा रख लें, ज़्यादा ना बड़ा ना छोटा। ठीक है जी, क्योंकि कड़ी ज़्यादा है तो वो रोटी भी साथ हो सकती है। बाज़ बात जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो लोग कहते हैं जी हम लोग चावल नहीं खा रहे हैं, हम लोग खाएंगे रोटी, तो इसलिए फिर सैलड कुछ उस तरह का हो जाए। आप एक दफ़ा ज़रा पंखी चला दें। ठीक हो गया आपकी तरफ? जनाब को आज काफ़ी मुश्किल उठानी पड़ी हमारे साथ। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, गलत सोच रहे हैं हम? बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। ये तो आपका बड़ा पानी है ना, तो आप आपकी वाली कड़ी तैयार हो गई? ऑलमोस्ट हो चुकी है, मैं इसको उठा रही हूँ चूल्हे से। कड़ी हो चुकी है हमारी यहाँ बहुत ही अच्छे से, मज़े से और परफेक्ट तैयार। अभी मैं जो इसको करती हूँ रिमूव, और आप जाओ थोड़ा सा पंखा चलाइएगा। मैं अपने घर अपने आग की तरफ नहीं चलाना जनाब, आग उठ के हमारे ऊपर आ जाएगी। तो ये रहा हमारा चिकन कड़ी, और अभी मुझे वो पास करते हैं, लेकिन वहाँ मुझे जो वो ज़रूरत है, ये बर्तन छोटा है, इस चूल्हे पे नहीं आया। तो प्रसाद जी बिल्कुल बिल्कुल ये शुक्रिया शुक्रिया। एक्चुअली हमने लिमिटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमने आज सालन बनाए, और इसलिए थोड़ी सी जैसे एक कड़ी बना रहे हैं कि जो गोश्त या मटन नहीं खाना चाहता और अंडा खाना चाहता है वो अंडा भी खा सकता है। अभी हम यहाँ शामिल कर रही हैं बिस्मी राइस बना रहे हैं ऑयल, और मम्मा साहब को आज फीवर हो गया हुआ है और इस वजह से सो गया हुआ है। हल्के गर्म होने तक मैं जो वो कड़ी कम्प्लीट कर लूँगी, और मैं इसको एक दफ़ा देख लूँ जी। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। और मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और मेरी जो मटन कड़ी थी ना मैं जो तैयार कर रहा था वो हो चुकी है तैयार, और इसको एक दफ़ा हला देते हैं, और साथ ही हम ये शामिल कर लेंगे लहसुन, और ये हो गई तैयार, और मैं इसको करूँगा अदरक। अदरक मुझे दे दीजिए जस्ट अ सेकंड, मैं इसको ये कवर कर दिए जी। तो अदरक आपको चाहिए जी? ये लीजिएगा जी, आप अदरक इसमें से ले लें। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ शामिल कर दी, और अभी जो अब हम यहाँ शामिल कर रहे हैं नमक। नमक आपने कितना इस्तेमाल करना है? 2 चुटकी या आपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो इसको उतारें और ये रख दें। अभी आप जो अब चावल पकाना शुरू करने वाले हैं, ऐसी बात है जी? बिल्कुल, और ये मुझे जो वो पेट पास कर लगता है जनाब की आ रही है कॉल, कुछ ऐसा सीन है? कुछ ऐसा नहीं सीन। अच्छा, आपको क्या चाहिए? आप मुझे ये वेट पास करेंगे और ये दीजिएगा वेट। शुक्रिया। और यहाँ जो है वो नमक शामिल कर दिया, और साथ ही साथ हम यहाँ शामिल कर रहे हैं दही। दही तकरीबन आपने 3-4 खाने की चम्मच जो शामिल करना है। जनाब आपकी कॉल आ रही है, आप जो है वो कॉल भी कर सकते हैं। बेसिकली फ़ोन आ रहा था। तो मुझे जो फ़ोन आ रहा था पप्पू के बेटे का, क्योंकि पप्पू आए हुए हैं तो वो दूसरी पप्पू के घर है, तो उसका फ़ोन आ रहा था, तो मैंने भी अटेंड नहीं किया। मैंने उसको ज़रा मतलब कि ना फ़ोन को स्विच ऑफ करके आ गया हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा ये ज़रा कम्प्लीट करवा लूँ, उसके बाद डिटेल से बात करता हूँ, क्योंकि जब उसका फ़ोन आएगा तो उसने कम अज़ कम 15-20 मिनट बंद नहीं करना। तो
तो सैलेड की प्लेट हमारी हो चुकी है तैयार और अभी जो और मैं इसमें शामिल करूंगा ऑयल। जी बिल्कुल करें, गर्म हो चुकी होगी तो देखिएगा जी। चावल लिए हमने यहाँ दो ग्लास राउंड अबाउट 3 पाव। अभी ऑयल देखिए, ऑयल इसमें मुझे शामिल करें थोड़ा। 3 ग्लास चावल आप 2 से 3 खाने के चम्मच चावल हो गया, ओके हो गया, काफ़ी हो गया। अभी आप चावल इसके गर्म होने तक थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और तब तक मैं कर रही हूँ छुट्टी। आप किधर जा रहे हैं? छुट्टी कर लूँ? छुट्टी कर लें। आपका पंखा किधर? आप ज़रा पंखा चलाइएगा। मैं जा रही हूँ कहीं भी नहीं जा रही, मैं जस्ट चावल व्यूवर्स को दिखाने जा रही हूँ सैलेड प्लेट। ज़रा अपनी दफा पास जा। जी बिल्कुल, यहाँ हमारी सैलेड प्लेट हो चुकी है तैयार और जनाब यहाँ नज़र ही नहीं आ रहे, तो कैमरा जो है वो जनाब मैंने लगता अच्छे से सेट नहीं किया था। अभी मैंने इसको सेट कर दिया है। आपका जो सेट था ना वो कटा कटा सा नज़र आ रहा, कुछ इस तरह से सीन था यहाँ। और अभी मैंने क्या करना है, अच्छा यहाँ आपने ज़ीरा शामिल नहीं किया, मुझे पंखा देना चलाती हूँ। ठीक है, आप अपना पंखा अपने पास मैं ज़ीरा शामिल कर दूँ? जी बिल्कुल। और चावल वाला चम्मच देना मुझे? चावल वाला चम्मच ही है ना, होगा इतना ज़ीरा? जी काफ़ी होगा। तो हम लोग यहाँ शामिल कर सकते हैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच लौंग की चाव आप शामिल कर लीजिएगा। और आपको भी आपको थोड़ा तेज़ करना होगा क्योंकि चावल के लिए थोड़ी तेज ही आप चाहिए। हम 1 अदद लकड़ी और लगा देंगे। तो अभी अगर आपको कुछ खाना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, कहीं भूख ना लगे। एप्पल 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 खाएंगे आप? तो अभी मैं आपको एप्पल की कटिंग कर देती हूँ। ऐसा करती हूँ आपको प्लेट में रख देती हूँ क्योंकि एक पीस से तो आपको कुछ बनने वाला नहीं है। जब भूख लगी हो ना तो एक पीस भी काफ़ी होता है। काफ़ी होता है? एक पीस तो आपने खा लिया कि काफी हो गया? एक पीस मतलब पूरा एक एप्पल? ओह यस, पीस देख ले आप इनका कितना छोटा पीस है। मतलब आप एक आप दर्जन में जाएंगे तो दर्जन में कितने पीस आएंगे? ठीक है, मुझे ये एक पीस लग रहा था, मतलब अगर हम एप्पल को बराबर के 4 हिस्सों में कट करते हैं। काटना नहीं ना, एक पीस पूरा काट। अच्छा ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। मैं एक्चुअली आपसे बहस नहीं करना चाहती क्योंकि आपकी बहस लंबी हो जाती है। जब आप तेज होगी तो काफी तेज। चले ठीक है, लेकिन आप जो वो काफी तेज हो जाएगी तो फिर मुश्किल होगी आपको। पानी आप शामिल कर सकते हैं, तभी मैं इनके लिए चावलों के लिए बल्कि इनके लिए नहीं थोड़ा सा पानी निकाल देती हूँ ताकि जीरा जलने से पहले पानी जो है वो कढ़ाई में पहुंच जाए। तो हंडिया को आप जो है वो फ्रंट एंड पे रखें। तो आप लोगों को ये लाइफ कैसी चल रही है आप लोग जरूर बताइएगा और अपनी लाइफ जैसे करना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों के शहर में मुल्क में इलाके में लॉकडाउन चल रहा है कि नहीं चल रहा जरूर बताइएगा क्योंकि हाँ हमारे यहाँ हमारे शहर में पहले 1 वीक का लॉकडाउन हुआ था लेकिन अभी जो है वो स्टैंड हो गया। तो अभी मेरे ख्याल से जाओ कह रहे हैं कि तकरीबन 2 वीक मस्जिद जाओ चलने वाला है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ अभी दिसंबर से पहले जाओ लॉकडाउन नहीं ख़त्म होने वाला क्योंकि मौसम की नॉइज के लिहाज से जाओ यहाँ लॉकडाउन लगातार चल रहा है जो कि लास्ट 3 ईयर से ऑलमोस्ट चल रहा है सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब देखें ये ब्राउन हो गया ना, आपका क्या ख्याल है? जी ब्राउन हो चुका है, आप यहाँ शामिल कर सकते हैं पानी। और आपको क्या ख्याल है? मुझे कवर चाहिए। लेकिन यहाँ पहले आप खड़े मसाले शामिल करें, ये काली मिर्च शामिल करें। अच्छा कितनी हो जाए ये काली मिर्च? 10 से 12 कर लें। ओके, ये थोड़ी सी हमने काली मिर्च इसमें शामिल कर दी। साबुत होनी चाहिए ये बिल्कुल। और साथ में एक अदद तेज पत्ता, छोटे हैं दोनों शामिल करें। अच्छा छोटे दोनों शामिल कर दीजिए। और दालचीनी का 1-2 पीस हाँ ठीक है काफ़ी होगा। और 2 पीस जी बड़ी रहेगी, बड़ी रहेगी जल्दी से इसको चाहो और कवर करेंगे आप। ठीक हो गया, बस आप इसमें पानी शामिल कर दें अदरवाइज उड़ के आपके पास आ जाएगा। तो ये हमने शामिल कर दिया पानी।
इसके उड़ने से पहले पहले तो एक कटोरी पानी मैंने शामिल कर दिया है। असल में तो इसके ऊपर चकरे करें शामिल एक और ये हो गई दो और कितनी करेंगे तीन दो ग्लास सर दो कटोरी चावल है ना तो नॉनस्टिक के बर्तन में बना रहे हैं तो हम 3.5 जो है वो कटोरियाँ बर्तन का बहुत ज़्यादा जो है वो रोल होता है आपकी कुकिंग में कि आप कौन सा बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए आपने बर्तन के नॉनस्टिक जरूर जो है वो एहतियात करें कि आप कौन सा बर्तन यूज़ करें। नॉनस्टिक के बर्तन में कुछ ऐसा होता है कि आपकी चीज़ पक जाती है लेकिन यहाँ अगर चावल बना रहे हैं तो नॉर्मल स्टेज पे मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि आपने लेमन को किस तरह से काटेंगे जी ठीक है बारीक बारीक काट के इसी तरह से स्लाइसेस शामिल कर दीजिएगा तो थोड़े से इसमें लेमन के स्लाइसेस शामिल कर देंगे और अगर आप चाहें तो यहाँ रेड मिर्च फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे आप पे डिपेंड है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं और अभी मुझे जो है वो यहाँ मसाला चेक कर लेना होगा ये चेक कर दीजिए जरूर तो ये मैंने शामिल कर दिया एक अदद लेमन और इसी के साथ शामिल करेंगे थोड़े से रेड चिली जो फ्लेक्स हैं वो शामिल कर देंगे थोड़े से भी इनफ होंगे ना जी काफ़ी होंगे अभी जो आप इसको कवर करना है कवर मेरे पास है तो आपके पास फिर मैं आपको पास कर दूँगी आप उसके ऊपर ना रुमाल दे देना और यह मसाला जो है वो अभी पेट में था अभी मुझे थोड़ी इंतज़ार करना होगा मुझे ये लग रहा था कि मसाला जो है वो अभी तक वेट क्यों नहीं चला तो शायद वो गर्म ही नहीं हुआ था अभी तक इसलिए नहीं चला था इसलिए मैंने इसको खोल लिया और ये नहीं आप इसको कवर कर दीजिएगा और आग को ज़रा छोटी में कर जी ये कवर हो गई आग को ज़रा आप बैलेंस कर दीजिएगा जब तक पानी जो है वो बॉयल नहीं हो जाता तो तब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे मुझे बच्चे नहीं उठे सोए हुए थे तो अभी तक उठे नहीं है तो मैंने जल्दी खोल लिया था इसको मुझे दोबारा से इसको जाओ बंद करना पड़ गया और अभी मैं इसको और तब तक मैं क्या करूँगी अंडे को जो आपको काट लूँ अंडे को जाओ बराबर के दो हिस्सों में काट लेती हूँ कटिंग मैं कह रहा हूँ कट लगा ले बस बस कट लगा ले हाँ ये ले इस टाइप से ना छोटे छोटे कट लगा लें क्योंकि उस तरह ना फिर जो जर्दी है ना वो निकल जाएगी अगर आप कट लगाएंगे पूरा नहीं तो वो मुझे इसमें भूनने थोड़ी ना थी ठीक है जैसे आपकी खुशी नहीं वो बाहर तो हो चुकी है लेकिन ये जर्दी फिर बाहर भी निकलेगी तो अभी पानी जो है वो हो चुका है गर्म अंदर करें ना उसको नीचे ना करें वो तो पानी गर्म हो चुका है इसको रखते हैं यहाँ पे और चावल शामिल कर दूँ ये रहे जी चावल तो मैं इसको ज़रा थोड़े से दूसरे अंदाज से शामिल करेंगे कि हम लोग ये शामिल देंगे और इसकी मदद से उसको चूल्हे के साथ करें नहीं बिल्कुल पानी ठीक है करने शामिल करने ठीक है इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें अल्लाह इसके खाने वालों को पकाने वालों को सेहत तंदुरुस्ती दे आमीन जरूर कहिएगा कुछ ये लाइफ हैक्स होते हैं आप यूज कर सकते हैं बजाय के हाथ आके खींचने के हैं तो भाई हम चावलों के मुताबिक नमक शामिल कर देती हूँ बिल्कुल और चावल का चम्मच ये को नीचे लाने वाले हैं क्योंकि इनके पास है चावल का चम्मच
आप अभी एक हेल्प करेंगे? जी जरूर, क्यों नहीं। ये अगर आप हाथ से इसको शामिल करते हैं तो। ओके, देखा ना, टीवी के बगैर मर्द नामुकम्मल है। बिल्कुल मान गए, मान गए। इसमें से मुझे पानी जो है थोड़ा कम कर देना। टीवी नहीं, आप कह सकते, औरत कह सकते हैं कि औरत की मर्द को किसी ना किसी जगह माँ की सूरत में, बेटी की सूरत में, बहन की सूरत में, बीवी की सूरत में जरूरत होती है। अच्छा, मतलब बीवी की नहीं, औरत की जरूरत होती है। मतलब एक घर को अगर चला सकती है तो सबसे माँ होती है, माँ के बाद फिर बीवी, फिर बेटी, तो बहन है, तो वो मतलब इस तरह से वो घर में, मतलब ये आप नहीं कह सकते कि कोई भी आपके पास आपका जो रिश्ता है वो गैर जरूरी है। रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए ही, बस जरूरी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, रिश्ते बहुत जरूरी हैं और रिश्तों के बगैर जो है, लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि आपको अपने रिश्तों का एहतराम भी करना चाहिए। और ये आपने हमारे साथ पे जो सीटी लगा दी है, बस मैं इसको मूव कर रही हूं। दफा ला लो, तो मैं करा रही हूं इसको कवर कर दी। तो रिश्तों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में जो सुकून है, जो रंग है, वो रिश्तों की बनाती है। लेकिन अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आपकी लाइफ बहुत पुरसकून गुजरती है। लेकिन अगर आपके रिश्ते एक भी रिश्ता ख़राब है ना, तो आपकी सारी लाइफ जो है वो बेरंग सी हो जाती है। तो अल्लाह ना करे आपकी लाइफ को कभी किसी की नज़र लगे और बेरंग हो, और सबकी लाइफ जो है अल्लाह ताला रंगीन ही रखे, खुशगवार ही रखे। तो यहाँ पे चावल जो है ना वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं और मसाला यहाँ अच्छे से बन चुका तो है। तो बाज लोग होते हैं कि वो घर में, मतलब के घर वालों को हेल्प आउट नहीं करते हैं जी, बड़ा मतलब के ना शेमफुल, मतलब के ना सीन होता है। तो मगरब की अजान शुरू हो चुकी है, अब 2 से 3 मिनट जो अजान के टाइम है वो ज़रा थोड़ा सा खामोशी होगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ मसाला शामिल करना चाहती हूँ, हल्दी पाउडर शामिल कर दिया और साथ में सुरख मिर्च, और उसके बाद क्या शामिल करेंगे, कसूरी मेथी शामिल होगी। अभी साइलेंट हो जाएगी हम गरम शुरू होगी थी। इसके ड्यूरिंग हमने क्या क्या किया हम आपको ये बताते हैं। हमने ली छोटी सी यहाँ ब्रेक, और चावल को हमने दम पे लगा दिया, और मटन जो सॉरी अंडा कड़ी थी वो भी तैयार होकर नीचे उतार ली, तैयार हो चुकी है। मसाले को आपने अच्छी तरह से भून लेना, उसके बाद आपने पानी शामिल करना, पानी को आपने जो अच्छी तरह से पका लेना, उसके बाद आपने यहाँ अंडे छोड़ने, अंडा शामिल करने के बाद तकरीबन हमने 30 सेकेंड तक उसको दम लगाना है। और उसके बाद हमारी मटन अंडा कड़ी भी हो चुकी है तैयार, और चावल रेडी हो चुके हैं। आप चावल चेक करें, तो अभी हम डिशिंग करने वाले हैं जस्ट। तो चावल आप देख सकते हैं, अभी नहीं देख सकते, हम इनको प्लेट में दिखाएंगे। चले अभी जो है वो डिश में सबसे पहले तो निकाल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी डिश आउट करने का जो असल काम है ना वो आप ही करेंगे। असल काम जो है वो मैं ही करने वाली हूँ, और हम यहाँ लेट अजान नमाज के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए मैं चाह रही थोड़ा सा आप भी हेल्प आउट कर दें। अंडा कड़ी शामिल करने के बाद हम जो है वो यहाँ एक दो धनिया का तिनका जो है वो दो चार शामिल कर देंगे, और साथ ही साथ आप इस प्लेट में अपना मटन कड़ी जो है वो शामिल कीजिएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ मैं जो है वो जल्दी से चिकन कड़ी शामिल कर लेती हूँ, और हमारा चम्मच
मटन कड़ी जो मैंने तैयार की थी वो मैंने ये देखिए निकाल ली, ठीक हो गया। अभी आप चाहो थोड़ा सा धनिया, छावन किया था तब के नहीं? बिल्कुल थोड़ा सा किया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने इस प्लेट पर भी कर देता हूँ। तो ये हो गया, ये तीनों जो कड़ी हमने तैयार की है वो तैयार होगी। अभी लास्ट वन आप निकालेंगे चावल। जी बिल्कुल, आप यहाँ नीचे रखेंगे इसको उतार लें, अभी हम पास करेंगे। अभी ये थोड़ा सा आपको स्पेस मिल रही होगी। एक रुमाल और दीजिए। जी उतार दें, उतार चले। ये रही जी चावल, अभी चावल फ्रिज में निकाल लेते हैं और फिर हम लोग जल्दी से आपको सर्विंग करके दिखा के नमाज के लिए चलने वाले हैं। तो माशाल्लाह से चावल तो आपने बहुत अच्छे बनाए, लग नहीं रहा कि ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। चावल तो बनाते रहते थे ड्यूरिंग मतलब के स्टूडेंट लाइफ भी बनाते रहते थे, जब शादी नहीं थी हुई तब भी कभी अम्मी जान कहीं चले जाना तो फिर कभी बना लेते थे। तो शादी के बाद क्या कसम खा ली कि आपने? नहीं, कभी कभी तो बना लेते हैं, लेकिन तब आप भी कहीं गए होते हैं फिर बना लेते हैं। पीछे से बना लेते हैं भाई, मतलब हम लोग ना हो गए तो फिर ये कुकिंग कर लेते बना लेते हैं, और अगर हम घर हों तो फिर ये बिल्कुल भी ये बनाएंगे, जिसकी ड्यूटी फिर उसी को सज दिया। चले अभी जो मैं टेबल तैयार करती हूँ जनाब के लिए, फिर आपको जनाब टेस्ट करके बताएंगे जी कैसा बना आज की हमारी। चावल और अरकड़ी आ चुकी है और अब बारी है मटन करी की और लास्ट वन चिकन करी। तो ये टेबल तैयार हो रहा है जी। तो अभी लास्ट पे हम जो वो पानी भी रख देते हैं जनाब को, मिर्ची ना लग जाए क्योंकि आज हमने बनाया सारा कुछ स्पाइसी स्पाइसी। तो आज का खाना हो चुका है तैयार, टेबल हो चुका है तैयार और जनाब अभी टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं कैसा बना जी खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत बनाए रखे। तो पानी बहुत अच्छा बना हुआ है क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया, तो अल्लाह ताला की बनाई हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सारी सीटी दी। अभी जी टेस्ट करके बताते हैं। तो सबसे पहले जी मैं इस तरह करूँगा कि मैं ट्राई कर लेता हूँ अपने वाला ही जो कौरमा मैंने तैयार किया था। सरल लेंगे आप? मैं पहले ज़रा ना रेसिपीज जो है ना वो टेस्ट करूँ। तो क्या मैं करीब से व्यू दूँ? अपनी तारीफ आप? नहीं, मतलब ये एक अच्छा बना था। दोनों चीजें जो खुद बनाई थी पहले वो टेस्ट किए चावल तो भी, और उसके बाद हम लोग लेंगे जी एक भी लेना साथ। तीखा होगा, मजे का होगा। मजे का। थैंक यू। तो यही थी आज की हमारी स्पेशल रूटीन, स्पेशल एक रेसिपी रह गई ना जी, वो भी टेस्ट कर लें आप। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी आज की हमारी रूटीन रेसिपी वैल्यू रूटीन टाइप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि चिकन जो कड़ी है ना वो सबसे बेहतर तैयार हुई होगी, क्योंकि वो आपने बड़ी स्पीड में तैयार की थी और बड़ी मज़े की लग रही थी मुझे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो बात वही है, सबसे बेस्ट क्या है? चिकन कड़ी के साथ चावल जो है ना सबसे बेस्ट बने, लेकिन सबके मतलब के ना वो टेस्ट डिफरेंट है, लेकिन मुझे वो ग्रेवी ज़्यादा खाने का मज़ा आया। तो होप्स हो कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर आप लोगों को इस तरह से हमारा कुकिंग करना अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा, फीडबैक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें आइडिया हो जाएगा। फीडबैक में अच्छे से आप जो बता दीजिएगा ताकि हम जो आपके साथ आपके पास लेते आएँ, आपके लिए लेते आएँ कुछ इस तरह से रूटीन की रेसिपी जो कि आपकी फेवरेट होंगी और हमारी भी फेवरेट होंगी इंशाल्लाह। और आप लोगों के डे सर प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ हम करते हैं आज की रेसिपी का रूटीन का एंड। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें डे सर ही दोनों के साथ, और आज की स्पेशल रूटीन के साथ हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। खाएं खाएं, आप छोड़ के क्यों बैठ गए? यू आर सुपरमैन।